चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की टेक न्यूज़। और सबसे पहला जो न्यूज़ है दोस्तों वो सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग ने एक अलग ही पेटेंट फाइल किया है जिसका नाम है सैमसंग मोको। सैमसंग मोको इस नाम से सैमसंग को कोई फ़ोन आने वाला है या फिर कोई ऐप आने वाला है या फिर कोई टैबलेट आने वाला है ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन बहुत ही क्रेजी नाम फाइल किया है। जैसे कि पोको वैसे सैमसंग मोको एक ऑनलाइन ब्रांड हो सकता है सैमसंग की तरफ से, या फिर क्या होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और हम लोग पेटेंट की बात कर ही रहे तो Xiaomi ने भी एक अलग ही पेटेंट फाइल किया है Xiaomi Play इस नाम से। Play का मतलब क्या है, उनका एक गेमिंग फ़ोन आने वाला है या फिर कुछ अलग सीरीज लॉन्च करने वाले या फिर एक गेमिंग ऐप आने वाला है Xiaomi की तरफ से, क्या आने वाला है Xiaomi की तरफ से ये Xiaomi ही जानता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सैमसंग और Xiaomi ये दोनों जो है ये अलग अलग पेटेंट जो फाइल कर रहे हैं तो इन दोनों पेटेंट से कोई गेमिंग फोन्स लाते या फिर कुछ अलग ही प्रोडक्ट्स लाते। और हम लोग गेमिंग प्रोडक्ट की बात कर ही रहे तो Realme की तरफ से ऐसे कहा जा रहा है एक फ़ोन आने वाला है जिसके अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 875 यह प्रोसेसर आ सकता है, साथ ही साथ 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आ सकता है। और ये एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन रहने वाला है जो कि जनवरी के महीने में चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा Realme की तरफ से ये जो गेमिंग फ़ोन है ये कब तक आता है और इंडिया में ये जो फ़ोन है ये कब तक लॉन्च होता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो मोटरोला की तरफ से आ रही। इंडिया का चीपेस्ट 5G फोन जो है वो मोटरोला ने आज लॉन्च कर दिया, जो कि कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G एक नए चिपसेट पे लॉन्च कर दिया जिसकी प्राइस रखी गई 21,000। लेकिन अगर आप HDFC बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं तो इस फोन की प्राइसिंग जो है वो आपको 20,000 में होगी, मतलब 20,000 में आप इस फोन को ले सकते हैं। वैसे क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे या फिर नहीं, जो कि इंडिया का एक चीपेस्ट 5G फोन है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज है दोस्तों वो नोकिया की तरफ से आ रही। नोकिया का एक फ्लैगशिप लेवल का फोन नोकिया 9.3 ये फोन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कब लॉन्च होने वाला है इसके बारे में कोई खबर नहीं आ रही थी अभी तक। लेकिन ये जो फोन है इंटरेस्टिंगली इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये फोन एग्जिस्ट भी करता है और इंडिया में भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा नोकिया 9.3 जो है ये इंडिया में कब तक आता है और इस फोन की प्राइसिंग क्या रहती है, क्योंकि नोकिया के जनरली फोन्स रहते हैं उनकी प्राइसिंग हाई प्राइस रहते हैं, मतलब जो नॉर्मल जो फोन्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा प्राइस पे रहते हैं। तो देखना होगा इस फोन की प्राइस क्या रहती है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो वन प्लस की तरफ से रही। वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो इन फोन्स के कुछ नए रेंडर्स जो है वो निकल के आ चुके हैं। ये जो रेंडर्स है इन्हें देख के तो ये दिखाई दे रहा है कि इन फोन्स में जो कर्व ग्लास आने वाला है और कैमरा सेटअप जो है वो दो ही कैमरा बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं और बाकी के दो छोटे छोटे सेंसर दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्वाड कैमरा सेटअप आने वाला है ये बात तो सही है। सिर्फ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो कैमरा सेटअप होगा ये कैसे होगा, मतलब 48 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल और साथ ही साथ बाकी के दो सेंसर से वो कितने मेगापिक्सल के हो गए, 5-5 या फिर 2-2 मेगापिक्सल के, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे ये डिज़ाइन देख के आपको ये फ़ोन कैसे लग रहा है, मतलब डिजाइन वाइज तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, आपको कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगली जो न्यूज दोस्तों वो HTC की तरफ से आ रही। HTC जो कि 4-5 साल पहले बहुत ही बढ़िया फोन्स लॉन्च करती थी, लेकिन आज उनका एक TWS है वो NCC सर्टिफिकेशन साइट पे दिखाई दे रहा है और ये जो TWS है ब्लैक एंड व्हाइट इन दो कलर्स में दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इनके अंदर 400mAh की बैटरी बैकअप का सपोर्ट दिखाई दे रहा है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा HTC की तरफ से ये जो TWS है ये कब तक आते हैं और क्या HTC TWS मार्केट में सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो ओप्पो की तरफ से आ रही। ओप्पो की Reno5 सीरीज, इस सीरीज के बारे में बहुत सारे लीक्स आ चुके हैं लेकिन आज कुछ नए लीक्स निकल के आ चुके हैं, जैसे कि इस सीरीज के जो फोन्स रहने वाले वो 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आने वाले और साथ ही साथ ये जो फोन्स रहने वाले ये एंड्रॉयड 10 बेस्ड रहने वाले हैं, मतलब एंड्रॉयड 11 इन द बॉक्स नहीं मिलने वाला, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, ये जो फोन है 10th December को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले, मतलब बहुत ही जल्द ये फ़ोन इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं, शायद जनवरी या फिर फरवरी इन दोनों महीनों में ये फोन जो है ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा ओप्पो की Reno5 सीरीज, ये सीरीज है इस सीरीज के जो फोन से अंडर 30,000 लॉन्च होते हैं या फिर उससे ज़्यादा प्राइस में लॉन्च होते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो Xiaomi की तरफ से आ रही। Xiaomi की फ्लैगशिप लेवल की सीरीज Mi 11 सीरीज, इस सीरीज के बारे में ऐसे कहा जा रहा है ये सीरीज जो है दिसंबर के महीने के स्टार्ट होने के बाद, मतलब कल से अलग अलग सर्टिफिकेशन साइट पर इस सीरीज के फोन जाने वाले, जैसे कि NCC सर्टिफिकेशन हो गया और बहुत सारे सर्टिफिकेशन साइट पर ये फोन जाने वाले और जनवरी में ये फोन्स चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले, मतलब इंडिया में लॉन्च होने में 2-3 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा Mi 11 सीरीज जो है इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर आता है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात,
इस सीरीज के जो फोन से वो इंडिया के अंदर किस प्राइस पे आता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और आज की फाइनल न्यूज है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, 4G का रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो गया है, प्ले स्टोर पे 4G का रजिस्ट्रेशन आ चुका है और शायद इसी वजह से पबजी जो है वो डिले हो रहा है। ऐसे कहा जा रहा है कि पबजी जो है वो 2021 में आने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप 4G खेलना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके इसे सर्च करिए दोस्तों और आप इजीली 4G के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये गेम प्ले स्टोर में आएगा उससे पहले ही मतलब बीटा वर्जन जो है वो आपको ट्राई करने के लिए मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा 4G जो है वो कब तक आता है और पबजी क्या सच में 2021 में आएगा या फिर 2020 दिसंबर इस महीने में आएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टेक न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।